अगर हम बाहर के बड़े बड़े मार्केट में घूमते हो, जैसे कि कलकत्ता के मार्केट या दिल्ली का, मुंबई के बड़े बड़े मार्केट में आप घूमते हो, अगर आपने कभी भी उस मार्केट में गए हो तो आपको पता होगा कि उस मार्केट में आपको एप्पल कंपनी का बहुत सारे आईफोन्स आपको दिखने को मिल जाएगा, जो कि आपको नया वाला आईफोन 5000 में, 10000 में, मैक्स टू मैक्स 15000 में आपको वो लोग दे देगा। हाँ, 15000, अंडर 15000 में आपको नया आईफोन दे देगा वो लोग। तो मतलब आपके दिमाग में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि जो आईफोन का प्राइस है 70000 या मतलब 90000, 1 लाख तक, उस 1 लाख का फोन को वो कैसे नया आईफोन को एकदम 15000 में, 10000 में दे पाते हैं? तो इसके बारे में आपको आज डिटेल से बताऊंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में अगर आप ये सब कुछ नहीं जानते हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके साथ वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो करने का लाइक, एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। सो ये जो कलकत्ता, मुंबई या दिल्ली के बड़े बड़े मार्केट होता है, उस मार्केट में आपको ये जो 5000 में या 10000 में एप्पल का नया वाला फोन आपको मिलता है, वो फोन को क्लोन आईफोन कहा जाता है। क्लोन आईफोन क्या होता है मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। क्लोन आईफोन का मतलब होता है कि वो लोग आईफोन तो खरीदते हैं लेकिन आईफोन के भीतर जो कि मतलब जो माइक्रोफोन होता है, जो बैटरी वगैरह होता है, जो कुछ आईफोन कंपनी का चीज होता है, चिप वगैरह, सर्किट वगैरह जो भी होता है, वो सब कुछ निकाल देते हैं। निकाल के एक मतलब पाती 5000 या 10000 का फोन का एक एंड्रॉयड सेट का वो सब कुछ लगा देते हैं। मतलब माइक्रोफोन लगा दिया, चिप लगा दिया, सर्किट बोर्ड लगा दिया, डिस्प्ले लगा दिया, उसके साथ बैटरी वगैरह जो कुछ भी है वो सब कुछ लगा देता है एक पाती एंड्रॉयड सेट का, ठीक है? वो सब कुछ लगा के वो ऊपर जो कवर वगैरह होता है वो आईफोन का दे देता है। इसको कहा जाता है क्लोन आईफोन। तो ये क्लोन आईफोन मार्केट में बहुत ज्यादा बिकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये क्लोन आईफोन खरीदते हैं, और क्लोन आईफोन खरीदने के बाद ये आईफोन कभी भी आप उसे मार्केट में जाके वापस नहीं कर सकते, ऐसा मतलब उस मार्केट का रूल्स होता है, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये हम लोगों को 1 लाख का जो फोन है, ये फोन सेकेंड हैंड फोन है, तो इसीलिए हम लोग आपको ये 10000 में दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रिफर्बिश्ड फोन है, इसलिए हम लोग 10000-15000 में आपको दे रहे हैं, लेकिन वो 10000-15000 में भी आपको वो एंड्रॉयड फोन दे रहा है ऊपर आईफोन का कवर लगा के। इसे क्लोन आईफोन कहा जाता है। क्लोन आईफोन का भी बहुत सारे टाइप्स होता है, ठीक है? जिस फोन के अंदर एप्पल कंपनी का कुछ भी नहीं होता है, वो क्लोन आईफोन आपको 5000 में दे सकता है। तो ये क्लोन आईफोन और ओरिजिनल आईफोन कैसे पहचाने आप, तो ये एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि क्लोन आईफोन पहचानने का बहुत सारे सिंपल टिप्स हैं, उसमें से 4-5 टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही इजी टिप्स है, अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आईफोन क्लोन आईफोन है और कौन सा आईफोन ओरिजिनल आईफोन है, ठीक है? तो देखिए, जब भी आप आईफोन खरीदते हो तो आईफोन खरीदने के बाद आईफोन में होता है ऐप स्टोर और एंड्रॉयड सेट में होता है प्ले स्टोर। तो आईफोन खरीदने के बाद अगर आप ऐप स्टोर में क्लिक करते हो, वो ऐप स्टोर, अगर ऐप स्टोर ही ओपन होता है तो वो है ओरिजिनल आईफोन, और ऐप स्टोर की जगह अगर प्ले स्टोर ओपन हो जाता है तो वो होता है क्लोन आईफोन, ठीक है? तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, जो आईफोन आपने खरीदे हो उस आईफोन को डेटा केबल के साथ लैपटॉप पे कनेक्ट करो। लैपटॉप पे कनेक्ट करने से ही आपको पता चल जाएगा उस आईफोन का मॉडल नेम, ठीक है? वो मॉडल नेम वहां पे दिखा देगा, अगर मॉडल नेम आ जाता है तो वो ओरिजिनल आईफोन है, अदरवाइज वहां पे एंड्रॉयड का अगर कोई मतलब सर्किट वगैरह चेंज हुआ है तो एंड्रॉयड का मॉडल नेम आ जाएगा, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये एंड्रॉयड है या आईफोन ओरिजिनल है, ठीक है? तीसरा ऑप्शन, आईफोन का वारंटी आप चेक कर सकते हो। आईफोन पे सेटिंग्स ऑप्शन पे जाओ, सेटिंग्स ऑप्शन में जाने के बाद वहां पे आपको अबाउट ऑप्शन पे जाना है। अबाउट ऑप्शन में जाने के बाद वहां पे आईफोन का जो वर्जन है उस वर्जन को आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने एक ब्राउजर पे जाओ, ब्राउजर पे जाने के बाद वहां पे लिखो कि आईफोन वारंटी चेक। लिखने के बाद जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा उस ऑप्शन पे क्लिक करो, वहां पे आप एक सर्च ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपका जो आईफोन वर्जन है वो पेस्ट कर दो, ठीक है? पेस्ट कर देने के बाद वहां पे देखो नीचे कैप्चा वगैरह आएगा, तो उसे कैप्चा को दे देना, और आप सबमिट जैसे ही कर देते हो तो वहां पे आईफोन का वारंटी दिखा देगा, अगर वारंटी है तो, ठीक है? अदरवाइज अगर वो दूसरा फोन होगा तो वहां पे कोई भी वारंटी नहीं आएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप ये 3-4 टिप्स फॉलो करके आप इजीली पता कर सकते हो कि आपका आईफोन ओरिजिनल है या क्लोन आईफोन है, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे मतलब लोग भी है जो कि ये क्लोन आईफोन जानते थे वो लोग कि ये क्लोन आईफोन है, फिर भी वो खरीदते हैं, क्योंकि उन लोगों को स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, लोगों को शो ऑफ करना पड़ता है कि हाँ मैं आईफोन वगैरह यूज करता हूँ, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग खरीदते हैं, ठीक है?
तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारा सवाल आ रहा था कि दादा क्लोन आईफोन क्या है, क्लोन आईफोन के बारे में एक डिटेल्स वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्लोन आईफोन क्या है और कैसे बड़े बड़े मार्केट में आपको आईफोन सेकेंड हैंड आईफोन या रिफर्बिश्ड आईफोन 5,000-6,000 में मिल जाता है, ठीक है, और कैसे क्लोन आईफोन और ओरिजिनल आईफोन में आप डिफरेंट समझोगे वो भी आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो को अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, बहुत ही छोटा वीडियो है तो आपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि क्लोन आईफोन और ओरिजिनल आईफोन में क्या डिफरेंट है, ठीक है। और उसके साथ वीडियो को समझने में अगर दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं हर एक कमेंट पर रिप्लाई करता हूं। एंड अगर अभी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।